हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि ओप्पो के फ़ोन में आप लोग नंबर्स को कैसे सेव कर सकते हो। अगर आपके पास एक ओप्पो का फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को नंबर्स को सेव करना है गाइस, तो कैसे आप लोग इस फ़ोन में नंबर्स को सेव करोगे, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर्स को सेव करने के लिए आपको सबसे पहले जो है फ़ोन के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आप लोगों को जो है रिसेंट नंबर्स को सेव करना है, मान लीजिए आपको किसी ने कॉल किया था तो उस नंबर को आप लोगों को सेव करना है, तो वो नंबर आप लोगों को इस रिसेंट के ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो सेव करने के लिए रीसेंट में जिस भी नंबर को सेव करना है उसके प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ऊपर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ये वाला देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। ऐड कॉन्टैक्ट का ये ऑप्शन है, क्लिक करते ही क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आएगा, तो इस क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं जीमेल का ऑप्शन है डिवाइस, और यहाँ पर अगर सिम विम लगा है तो सिम का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो जिसमें भी आप लोगों को नंबर्स को सेव करना है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फर्स्ट नेम का ऑप्शन आया है, सरनेम का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर से नंबर्स भी यहाँ पर शो हो गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है अगर आप लोग मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो और भी डिटेल उस नंबर पे आप लोग सेव कर सकते हो, जैसे कि और भी अगर नंबर है उसका उसको भी लगा सकते हो, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लगा सकते हो उसका, उसके बाद सिग्निफिकेंट डेट बर्थडे वगैरह आप लोग यहाँ पर से उसका लगा सकते हो। मोर फील्ड पे क्लिक करेंगे तो और भी कुछ आ जाएंगे, देख सकते हैं एड्रेस वगैरह, वेबसाइट अगर है उसका कुछ, तो यहाँ पर रिलेटेड पर्सनशिप नोट्स अगर कुछ लिखना चाहते हो उस नंबर पे, तो बहुत सारे जो यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इन सबको जो आप लोग फिल करके नंबर को सेव कर, अगर फिल नहीं करना है सबको तो यहाँ पर सिर्फ नाम लिख के भी आप लोग इस सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो नंबर जो है वो सेव हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने ओप्पो के फ़ोन में नंबर्स को सेव कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।